हे फ्रेंड्स, सुपर ट्यूटोरियल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाई आज की वीडियो है बहुत ही छुपते छुपाते। आज हम आए बहुत ही अच्छी सी जगह पे, हम आए हैं कंट्री इन साहिबाबाद। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमने बुफे खाना स्टार्ट किया था, और पता नहीं कितनी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, बट यहाँ का जो स्प्रेड है ना, देखने लायक है, देखने लायक मतलब खाने लायक, देखने लायक, अमेजिंग स्प्रेड है। स्टार्ट करते हैं हम फ्रूट से, ठीक है, बहुत ही कट शॉर्ट रखेंगे क्योंकि बहुत वैरायटी है। फालतू की गप्पे नहीं मारनी आज, फोकस करेंगे खाने पे। 6 तरह के यहाँ पर फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो जी, फ्रूट्स हमारी प्लेट पे आ चुके हैं, और यहाँ पर ऑफिशियली बड़े बड़े कैमराज तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। आई डोंट नो स्प्रेड दिखाना भी अलाउड है या नहीं है, इसी से पता चलता है इनका स्प्रेड बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो अब मैं फ्रूट्स इन्जॉय कर लेती हूँ। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। मैं देखती हूँ कि मैं कितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ, लेकिन टेस्ट आपको हर चीज़ का बताऊँगी। तो जी, ये है इनका पूरा का पूरा स्नैक्स काउंटर, और इन्होंने ना हर चीज़ के अलग अलग काउंटर्स बना रखे हैं, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बड़े में है ना इन्होंने स्प्रेड को जो है वो कर रखा है। ये मेन कोर्स सेक्शन है, इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं स्नैक्स में क्या क्या अवेलेबल है। तो जी, इतनी वैरायटी फ्रूट्स की इंजॉय करने के बाद आती है बारी स्नैक्स की, एंड लुक एट द प्लेट। 10 वैरायटी ऑफ स्नैक्स है यार। प्याज की भजिया, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, चीज़ बॉल, सेसमे टोस्ट, पनीर मोमोज, पनीर टिक्का, तंदूरी आलू, इडली फ्राई, एंड फ्रेश फ्रेश पिज़्ज़ा है, और साथ में है 2 वैरायटी के सूप्स। ठीक है, मेरी तो यादें ताज़ा हो रही है, मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब त्रिपी को गोद में लेके हम आए थे पहली बार इस बुफे में। बहुत ही अमेजिंग सा टाइम था, और तब मैं ना कोल्ड ड्रिंक की नशेड़ी होती थी। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी थी कि यहाँ पे इन्होंने जो फाउंटेन वो होता है ना, जो पेप्सी का पूरा वो जो होता है काउंटर सा, वो लगा रखा होता था। खैर, हमने पिछले महीने, 2 महीने पहले या महीना पहले वो जो रेडिसन की वीडियो डाली थी, अब उन्होंने भी वो काउंटर लगा रखा है, बट आज से 10 साल पहले सिर्फ यहाँ होता था, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ होती थी। अब तो मैं पीती नहीं कोल्ड ड्रिंक उतना, बट तब मेरे जैसे नशेड़ियों को वो मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो चलो फिलहाल टेस्ट करते हैं। पिज़्ज़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया, इससे पहले वाला पीस मैंने गरम गरम खाया था, मस्त चीज़ फुल निकला था। प्याज की भज्जी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप ये सोचो कि आपने ट्राई नहीं करना। हर एक चीज़ इन्होंने चुन चुन के रखी हुई है, सुपर सॉफ्ट इडली है, और जैसा साउथ इंडियन फ्लेवर होता है ना, परफेक्ट टेस्ट, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो जी, सूप की बारी आते आते हमारी स्नैक्स की प्लेट दूसरी बार रिफिल हो रही है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, और इतनी अच्छी वैरायटी है। वैरायटी तो खैर कई जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन जो टेस्ट है ना, और इनकी पुदीने की चटनी, मन कर रहा है भाई पैक करके घर ले जाऊँ, इतनी बढ़िया चटनी है। और सूप है यहाँ पे 2 तरह के, एक है जी टोमेटो शोरबा और एक है स्वीट कॉर्न। अब टोमेटो शोरबा तो शक्ल से ही बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वीट कॉर्न होता है शक्ल से उदास का सूप, ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्वीट कॉर्न सूप है ये, परफेक्ट। इससे अच्छा सूप मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया, स्वीट कॉर्न, ठीक है। और टोमेटो शोरबा इतना अच्छा है कि ये बंदा यहाँ बैठा बैठा आधा पी चुका है। तो जी, मैं तो यहाँ सूप ही इंजॉय करती रहेगी, और यहाँ बंदे के स्नैक्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जी, उन 10 वैरायटी के अलावा यहाँ पर है आलू की सब्जी और कचौड़ी, और उसके ऊपर है मेथी की लौंजी, जो कि होती है मेथी दाने की, जो आपको मिलेगी सिर्फ पुरानी दिल्ली में, और पुरानी दिल्ली के अलावा मिल रही है यहाँ, या फिर जुबान चटोरी वालों ने इसको चखाया हैदराबाद वालों को। कैसा टेस्ट है सनी, ये तो बता दो, खारा खा के देख ले यार, फिर जल्दी जल्दी बता दे है कैसा। एक तो इसको बंदे को हर चीज़ टेस्ट करनी होती है, वो देख मुँह में आ रही है। भले ही आपको मेरे सामने दिख रही है प्लेट में सैलेड, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो स्नैक्स है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चाट काउंटर पूरा का पूरा बाकी है, जिसमें बर्गर भी है, शायद वो जो रोड साइड वाले बर्गर होते हैं ना वैसे वाला,
और पाव भाजी भी है, चाट पकौड़ी तो बिल्कुल ही बाकी है। फिलहाल सैलेड का काउंटर जो है वो भी बहुत ही अच्छा स्प्रेड है और बहुत ही बढ़िया वाला है। हम उसमें से लाल कर रहे हैं डिफरेंट वाली चीज़ें। ये है कच्चा आम, ये है कचालू की चाट, सफ़ेद चने की चाट, तंदूरी पनीर वाली, कॉर्न्स, स्टार फ्रूट भी है, और ये है हमारी एक चटनी, कौन सी, चिली गुआवा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। वैसे कचालू की चाट मैंने कभी नहीं खाई है, सुना ज़रूर है इनके देहरादून में बहुत अच्छी मिलती है, इट्स गुड। एक्चुअली मुझे टेस्ट तो पता नहीं है, तो ये बंदा बताएगा कि कैसा है। थोड़ा सा स्टार फ्रूट खा लूँ, खट्टा बहुत होता है, खाती नहीं हूँ। दिव्या, अच्छा है, मसालेदार है, लेकिन मेरे यहाँ पे खट्टा लग गया भाई। अगर आप यहाँ आओगे ना, किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते आप। आपको लगेगा ये तो ज़रूर खा के जाना है, फिर आप नेक्स्ट उस पर जाओगे, फिर आपको लगेगा ये तो ज़रूर खा के जाना है। और हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। और ये साथ में इन्होंने कुछ दो शूटर्स रखे हुए हैं, एक मैंगो है और एक कीवी है। अच्छा, ये भी बहुत ही टेस्टी है, और स्वीट वो है, स्वीट टैंगी, थोड़ा सा स्पाइसी का टच है, बहुत ही बढ़िया है। लो जी, फाइनली इतनी सारी वैरायटी कंप्लीट होती है यहाँ पे, जो कि थी स्नैक्स की। आई वुड ख़त्म ही नहीं हो रहे थे इतनी वैरायटी। खैर, प्राइस भी अच्छा खासा है, बट अभी तक अगर आप लोग समझे नहीं हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कंट्री इनका जो ये बुफे है वो कम्प्लीटली वेज है, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारी सब कुछ कवर कर रखा है इन्होंने, सब कुछ। इटली भी है और थाईलैंड भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ का खाना है और बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब सारा मेन कोर्स तो हम खा नहीं सकते। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं आपको, जैन फूड भी अवेलेबल है कुछ चीज़ों में, नो अनियन नो गार्लिक भी अवेलेबल है। ठीक है जी, हम लेकर आए हैं चिकन चेटीनाड नहीं लाए हम, कटहल चेटीनाड लाए हैं, जो कि बिल्कुल नॉनवेज का रेप्लिका। और कश्मीर की बात करें तो ये है साग, कश्मीरी साग, और ये है मशरूम रोगन जोश। और रोगन जोश को देखो यार, एग्जैक्टली वैसा है, मतलब इसका देखो ऑयल, देखो ऊपर ऑयल नहीं कहते वैसे इसे, रोगन बोलते हैं, बेज्जती हो जाती है ऑयल कह के। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, और सारी चीज़ों को हम ट्राई कर रहे हैं स्टीम राइस के साथ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और जो ये है कटहल चेतीनाड है, इसके साथ वो लोग मलाबार पराठा भी दे रहे हैं, एंड हर चीज़ आपको फ्रेश बनेगी आपके सामने। हमारी मैडम ने पास्ता भी बनवा लिया यहाँ पर, ओए कटहल इज सुपर सॉफ्ट। भाई ज़्यादा कुछ तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं यहाँ की भीड़ आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। हाई गॉड यार, 2300 रुपये पर पर्सन ये बुफे है, लेकिन भीड़ देख लो आप, अमेजिंग। मतलब इतना क्वालिटी और इतना अच्छा खाना ये सर्व कर रहे हैं कि भीड़ उठ उठ के आती है यहाँ पर बढ़िया खाना खाने। मेन कोर्स खाने के बाद बारी आई मीठे की, और मीठे में हम डालकर लाए हैं बहुत ही थोड़ा सा सामान और बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ये है मूंग की दाल का हलवा, ये पाइनएप्पल का हलवा है, ये है जी रबड़ी वाला केक, और भी बहुत सारी वैरायटी है, ब्राउनी है, स्विस रोल है, ये पता नहीं क्या कुछ है। और अगर मैं आपको वैरायटी काउंट करके बताऊँ तो ये काउंट जाता है 20 से 25, मतलब 20 से प्लस हैं, और अगर आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स काउंट कर लो तो 25 से ऊपर ही जा रहा है, इतना मीठा है। तो अब करते हैं स्वीट्स इंजॉय, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। छुपते छुपाते हमने आप लोगों के साथ टेस्ट का पूरा पूरा एक जो डिटेल्ड वो रिव्यू होता है वो शेयर कर दिया है, आप लोग भी ज़रूर आएँ, एक बार लाइफ में देखने वाली चीज़ है, मतलब ज़रूर खाने वाली चीज़ है। मेरे पेरेंट्स को भी मैं ये इंजॉय करा चुकी हूँ, मेरे नॉट माय पेरेंट्स, मेरे इन लॉज। ये जो बुफे स्प्रेड है ना वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, लोग मुझे देख रहे हैं, अलाउड है नहीं, फिर भी ये लड़की बक बक करे जा रही है, कोई बात नहीं, हमारी बक बक जारी रहेगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते एक और नई जगह के बढ़िया से रिव्यू के साथ।